हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हमने रूम चेंज कर दिया, हम अपने रूम पे आ गए जो हमने लिया था। जस्ट उसकी हम छत पे आए हुए हैं, तो देख रहे हैं पीछे तो बड़ा जाल दिख रहा है, इसमें कबूतर ही कबूतर हैं और कुछ नहीं है। और आसपास की बिल्डिंग देख के मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और फिर बताइए आजकल क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में। अब यहीं से हम उड़ाया करेंगे पतंग वतंग और भी चीज़ें क्या करेंगे। यहीं से सामने देखो मेट्रो स्टेशन भी दिख रहा है, वो देखो वो रहा, वो लाइनिंग देखो जा रही मेट्रो स्टेशन, ठीक है। और यहाँ पे आसपास सब बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, देखो सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग ही हैं। बस यहीं पे है जहाँ पे हम दो छोटा सा एक छत है बस। आसपास का नज़ारा ही बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके हमें। और क्या बताएं हम आपको, एकदम मज़ा आ रहा है, मज़ा। और बताइए फिर आप लोग, देख रहे हो गाइस यहाँ से पतंगे भी उड़ रही है, देखो कहाँ गई, हो गई यार। भैया दिख जा, किसी ने भी पतंग, अब पतंग दिख ही ना रही इसमें। गाइस पतंग नहीं दिख रही है आपको, दिख गई, वो देखो वो रही पतंग, वो देखो। अरे हाथ का सारा पहुंचा सही, ये देखो मेरी उंगली के पास, ये देखो ये घूम रही है, ये नीचे ये आ गई। देख रहे हो गाइस आपके चक्कर में उंगली में हाथ घुमाना पड़ रहा है गोल गोल पतंग दिखाने के लिए। यहाँ का आदमी मतलब अभी तो सूरज नहीं है, मतलब ठंडा माहौल है, जैसे लग रहा है पानी नहीं गिरा है शायद, क्योंकि मैं रूम के अंदर था, मुझे पता नहीं पानी गिरा है कि नहीं गिरा है, पर ऐसा लग रहा है कि हाँ पानी गिरा है यहाँ पे। और इस साइड में आपको दिखाते हैं, अभी मैं पीछे साइड था, अभी इस साइड में जा रहा हूँ। यहाँ पर पहले तीन तीन टंकी रखी हुई है देखो, जिससे मैं पानी आता है नहाने वहाने के लिए, कपड़े धुलने के लिए। और देखिए जस्ट हमारे पीछे ही वो आपको दिख रहा होगा, वो रहा यहाँ पे इसलिए मेट्रो जाती है, जब मेट्रो वाली बस जाती है जितनी भी, वो स्टॉप देखिए वहीं रहा, ये स्टॉप है, वो स्टॉप है उसका वहीं पे। मतलब गाइस इधर लग रहा है कूड़ा कचरा कुछ ज़्यादा ही है, देखो नीचे देखो है कूड़ा कचरा, मतलब कुछ ज़्यादा ही रखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या बताएं, हम शाम को घूमने जाएंगे तब मज़ा आएगा, मतलब ज़्यादा ही। तो गाइस बताइए फिर, एक चीज़ मैं आपको और दिखाने जा रहा हूँ। जैसे ये बगल में एक भाई मिला हमें, तो उसने ना इतने सारे कबूतर पाले हुए, वो कह रहा है कि हम अगर कबूतर छोड़ भी दें फिर भी मतलब उड़ के वापस आ जाते हैं, ऐसा सीन है। और हैं भी मतलब बहुत सारे कबूतर, तो चलते हैं आपको कबूतर दिखाते हैं सारे। ये देखिए मतलब इतना बड़ा सा जाल है, जस्ट इसके अंदर ही देखिए कबूतर हैं सारे, नीचे पानी दाना रखा हुआ है, ये बैठे हुए हैं सारे। देख रहे हो सब ध्यान से सुन रहे हैं कि हाँ क्या बात हो रही है हमारे लिए, देख लो बाकी नीचे भी हैं, देखो जा रहे हैं और इस साइड बैठे हुए हैं, देखो नज़ारा देखो साइड का, मतलब कितना अच्छा लग रहा है इधर। पतंगे देखो, ये पतंगे उड़ रही हैं और भी, ये देखो इधर उड़ रही हैं भाई, देखो अंदर ही जा रहे हैं पकड़ने के लिए। भाई अरे ये हाथ में कोई आने वाले नहीं है, ऐसे ही है सारे। अरे अंदर तो देखा ही नहीं है, देखिए गाइस इसके अंदर भी और हैं, ये देखो देख रहे हो कितने प्यार सारे बैठे हुए अपने अपनी जगह पे, इस साइड भी है। मतलब ये सब आ जाते हैं हाथ में ना, ये सब दौड़ के ये सब उड़ने वाले लंबे लंबे उड़ते हैं बहुत ऊंचे। अच्छा तो मतलब किस लिए पाले हुए हैं, जैसे ये शौक है ये बस, ये या कंपटीशन किस कर ले, कंपटीशन भी यहाँ पे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे छूट होती है, इनकी रेस होती है। अच्छा, रेस के ऊपर जैसे कि दो बंदे आप पैसे लगाते हैं 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 लगाते हैं। बहुत से जो लंबी लंबी दौड़ होती है उसमें अपना एक एक बंदा अपने 25-25-30-30 कबूतर देता है, कुछ 50-50 कबूतर देता है, ऐसे ही होता है। अच्छा तो ये बात है,
चलो सही है गाइस, ये देखो कितने मतलब कबूतर ही कबूतर हैं, देख रहे हो। अच्छी बात है भाई, इतने कबूतर को पालना ही बहुत होता है। लेकिन तब भी देखो कोई मतलब बाहर भी नहीं आ रहा, देखो गेट खुला हुआ है, जैसे आते हैं ना बाहर भाग आते हैं फिर भी नहीं है, देखो सब मतलब अंदर ही है अच्छा खासा। और ये देखो हमारा छोटा सा हाईवे जस्ट नीचे देख लो, यहाँ पे ये देखो मजे किए जा रहे हैं, देख लो चार, ये देख लो ऊपर चढ़ना है इन दोनों को गिनती गिनते हुए। ये देखो बाकी तीन कबूतर ये आ गए हमारी वाली छत पे, भाई की छत पे आए हुए थे, बाकी यहाँ भी बैठे हैं, ये देखो ये सारे बैठे हुए हैं। मैं बहुत अच्छा लग रहा भाई, देखो हुक्का मार रहा था यहाँ बैठ के, देखो है फर्स्ट क्लास। एक और पतंग उड़ गई, देखो बिल्कुल देख रहे मगन में बिल्कुल उड़ाया जा रहा था, ये देखो ये उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई। यार हमारे पास पतंग नहीं है, वरना मन तो बहुत कर रहा भाई, बहुत कर रहा पतंग उड़ाने में, क्योंकि अपने घर साइड ना हम पतंग उड़ाते थे तो बहुत अच्छा लगता था, मतलब यहाँ पे आके भी ऐसा पतंग देखना तो मन तो कर रहा उड़ाने का, पर अब कैसे उड़ाएं अभी पतंग ही नहीं है। कोई नहीं, तीन चार दिन वेट करके फिर लेके आते हैं मतलब पतंग और वो चरखी वरखी लेके आएंगे, फिर उड़ाया करेंगे मस्ती से, फिर यहाँ की सारी पतंग जितनी भी पतंग है किसी एक पतंग ही छोड़ेंगे, सबकी काटेंगे, भले खुद की भी कट जाएगी कोई दिक्कत नहीं, कटेगी तो आई भाई, क्योंकि यहाँ पे सब जो उड़ाएंगे तो कटेगी भाई। और देख लो नीचे भाई कन्नी उन्नी बांध के देखो पतंग रेडी कर रहा है। तो गाइस अभी शाम का टाइम हो चुका है, देख रहे हो मतलब माहौल पूरा ठंडा हो गया जस्ट, और सब आके यहाँ देखिए छत पे बैठ चुके हैं, क्योंकि ठंडा माहौल में जस्ट छत पे आने में अच्छा लगता है। और यहाँ पे बाकी सब जो बच्चे हैं वो देखो सब पतंग उड़ा रहे हैं छत पे, देख रहे हो पीछे सारे, देख रहे हो सारे बच्चे बैठे हुए इधर, देखो पतंग उड़ा रहे हैं सारे लोग। कोई नहीं, कुछ दिन में भी स्टार्ट करेंगे पतंग उड़ाना। तो गाइस देख रहे हैं मेरी मूछें भी आ गई हैं, जैसे मैं रखना चाहता था वैसे देखो मेरी मूछें होने लग गई हैं, सही है बढ़िया है, हम भी अब मूछें रखे करेंगे ऐसे ही। भाई मेरी वैसे जिम छोड़ गई थी एक डेढ़ महीने बाद, अब जिम मेरे स्टार्ट करना है कल से, फिर से कल से या परसों से जिम स्टार्ट कर लूँगा। अभी भाई से बात करके आया हूँ तो भाई कह रहा ठीक है कोई ना तुम आ जाओ, भाई को भी अच्छा लगा मतलब हमसे मिल के, कह रहा भाई आप तो पहले जिम करते थे आपको शर्ट सारे पता होंगे, तो मैंने कहा हाँ भाई मेरे को सारे शर्ट तो पता है, जस्ट थोड़े बड़े जो गलत होंगे वह बता दिया करना। तो कह रहा कोई बात नहीं, बाकी देखो पीछे भाई हुक्का लगा रहे हैं मस्ती से, आराम से पूरा रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो चलते हैं फिर आज का ब्लॉग यहीं तक, तब के लिए बाय बाय, टाटा सी यू, गुड नाइट।